हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता नेगी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। जैसा कि आपको मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग देख के पता चल चुका होगा कि मेरे घर में शादी है और मेरी नंद की शादी है। सो ये है हमारी चाची का घर और यहाँ पर अभी बहुत खलारा लगा हुआ है। प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि अभी काम चला हुआ है घर में, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं तो इसलिए सारा खलारा ऐसे ही है। और ये सारी शॉपिंग हमारी डन हो गई है, जो लेने देने के कपड़े हैं वो तो बिल्कुल डन हो गए हैं रिश्तेदारों के, और जो ब्राइड के कपड़े हैं, ब्राइड की जो चीज़ें हैं वो यहाँ मैंने ज़्यादा शो नहीं करी, बिकॉज जो इनके कपड़े हैं सिलने के लिए दे रखे हैं सूट वगैरह वो इन्होंने सिलने के लिए दे दिए, तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई, सो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे इनका जितना भी सामान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जो जो फ़िलहाल के लिए हमारे पास आ गया है वो। सो ये सारे कपड़े जो हैं महरे से लिए गए हैं लेने देने के, इनके ससुराल वालों के लिए और रिश्तेदारों को जो लेने थे वो वगैरह ले लिए यहाँ से। सो गाइस, इस पूरे ब्लॉग में मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो ये जो कपड़े हैं इनके ससुराल वालों के लिए, पैंट शर्ट के कपड़े साइड रखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए नहीं आपको क्योंकि वो नीचे रखे हुए थे। तो ये इनकी नंद, सास, चाची वगैरह जो भी हैं, मामी वगैरह सबके लिए कपड़े उपड़े तो ये लिए हैं। अभी चाची ने बुलाया था कि इनमें पर्चियाँ बना के डालनी है और इनको मतलब रेड कलर के धागा जो होता है, डोरी जो होती है, पैंट शर्ट कपड़े वगैरह बांध के रखने हैं क्योंकि शुभ होता है वो। तो बक्सा दिया जाता है लड़की को, ट्रंक बोलते हैं यहाँ पे हमारे साइड, तो बक्सा ही बोलते हैं वो संदूक, वो लड़की को ज़रूर दिया जाता है। और ये हमीरपुर का बहूरानी के नाम से कोई ज्वेलरी वाला है, उस वो बहुत फेमस है चूड़ों के लिए और अपनी ज्वेलरी के लिए, तो वहाँ से उन्होंने चूड़ा लिया है 2500 का, जो कि बहुत ही महंगा लगा मेरे को। मतलब चूड़े के हिसाब से मुझे कुछ खास भी चूड़ा नहीं है और बहुत महंगा लगा है, तो हमने इनको इस चीज़ के लिए टोका भी किया, बहुत महंगा चूड़ा लेके आ गए। तो ये थोड़ी सी बेचारी मतलब उदास ही हो गई थी कि हाँ इतना महंगा दे दिया मेरे को, देखो चूड़े में कोई खासियत नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लिया है। तो ये उनका चूड़ा है मेरी ब्राइड का, जो मैंने शो कर दिया है अपना, जो मामा की तरफ से इनको मिला है। एक चूड़ा उन्होंने और लिया है 4500 का, तो वो ससुराल वालों की तरफ से है, तो वो मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। सो ये कपड़े मैंने आप लोगों को दिखा दिए, हमें यहाँ पे पर्चियाँ बनानी थी तो हम वही काम करने गए थे, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो ये दुपट्टे हैं, ये जब स्वाणी बनते सुहागने जो होती है, जब इनको कंगना बनेगा और इनके मतलब कुछ रिचुअल्स होते हैं उनमें सबको दिया जाएगा, जो सुहागने औरतें होती हैं उनके लिए हैं ये दुपट्टे रेड कलर के, ये उनको दिया जाएगा। सो उन सब में भाभीियों भाभी वगैरह जो चाची चाची जो भी होती है सबको दिया जा जाता है, तो सबके लिए लिए हैं ये। ये मेकअप किट है जो इनको गिफ्ट दिया हुआ है, और ये पर्स है मामा की तरफ से इनके लिए। शादी करने में कितना फायदा होता है। और ये तौलिया मामा की तरफ से ना, ये भी मामा की तरफ से प्यारा सा तौलिया है। ये मेकअप किट एक तरफ से दिए, ये भी मामा की तरफ से ना। और ये है हमारी ब्राइड की हील, पूजा इनका ना फोटो ले लेना एक, ठीक है, इन सामानों का। ये है पूजा पाठ का सामान है, ये तो इसको प्यारे मामा का बेद का, मामा का बेद का रखना है। और ये सॉन्ग के लिए प्रणा, ये आपके लिए प्रणा नहीं है। अच्छा आपको दोगे ये रेंजू? हाँ जो प्राणी जो बनेंगे ना उनको प्रांति और एक चुन्नी मिलेगी, लाल लाल परी बन जाएंगी, पूजा लाल परी बनेगी। पूजा लाल परी बनेगी। ये बेद का कपड़ा है, जिसमें हम सिख कर देंगे चिल्लर आपको।
पानी डालेंगे ना, पैरों भी डालते हैं, अच्छा रंगी है। एक ये वाला फूट है, बहुत सारा सामान है, ये दिखा दे सामान, ये सूटकेस और ये ट्रंक। भाभी ने दिया है, ये इनकी एक भाभी उन्होंने गिफ्ट किया इनको, ये ब्लश है, लाल लाल करने वाला है, शायद अलमारी नहीं करी देना तो गाइज़ यहाँ पे मेन काम शुरू कर दिया है हमने पर्चियाँ बनाने का, जो हमें सारे सूटों में डालना है। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या नाम लिखना है, कितनी नंदे, इनके 7 नंदे हैं और 2-3 चाचा ताई वगैरह, चाची ताई वगैरह हैं, उन सब की पहले पैकिंग करनी है उनके कपड़ों की। तो मैं वही पूछ रही थी, तो फिर मैंने कहा नाम बताओ क्या क्या है, तो वो कहती मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ नाम की। तो मैंने कहा ठीक है लिस्ट दिखा दो, तो हम किसी चीज़ को लेके हंस रहे थे इसलिए यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। सो गाइज़ यहाँ पे अब हमने सूट के कपड़ों के साथ पैंट शर्ट के कपड़े अटैच करने के लिए रख दिए, जो जो मतलब जिनको देने उनके हस्बैंड्स को भी देने हैं, तो जोड़े से दिए जाते हैं कपड़े, तो वही कर रहे हैं हम, पर्चियाँ डाल रहे हैं कपड़ों के अंदर जिन जिनको देने उनके हस्बैंड के साथ, मतलब उनके पैंट शर्ट लगा के अपने शगुन की डोर से बांध के इनके बक्से में डाल रहे हैं। और हम जिस अपने आपस में बातें भी कर रहे थे, बाय द वे ये जो मेरी नंद मेरे बगल में बैठी हुई है, इनकी शादी है, इनका नाम अनु है, इनकी शादी है, चाची की बेटी है ये हमारी। गाइज़ यहाँ पे हमारा ब्राइड का सामान जो है वो सारा पैकिंग डन हो गई है, अभी इसमें काफ़ी सारी पैकिंग करनी है, नारियल वगैरह, पैसे वगैरह, तो ये ब्राइड के साथ जाएगा इसलिए ये सारा डन हो गया है हमारा। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए आओ तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आगे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेडिंग में आज को लगा के पूरे 8 दिन बाकी हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम ही कोई लड़की की शादी देखूंगी अपने हिमाचल में। 3 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, फर्स्ट टाइम एक शादी देखूंगी जो लड़की की होगी, बिकॉज मैंने जितनी भी शादियाँ देखी 3 साल में वो सारे लड़कों की ही देखी हैं, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट बार मैं देखूंगी क्या क्या रिचुअल्स है, कैसे कैसे रिचुअल्स निभाए जाते हैं लड़की की शादी में, मामा इनको चूड़े बनाते हैं, तो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आगे ब्लॉग में बने रहना, आज के लिए छोटा सा ब्लॉग आप लोग इन्जॉय करो, आगे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, अपना अपना ध्यान रखना, बाय बाय।